सिनेमा जगत की शान है, कॉमेडी का तूफान है, वो समंदर है अदाकारी का, उस पे न्योछावर तिलो जान है, दीवाने बेपनाह मोहब्बत करते हैं आपसे जनाब, गोविंदा इस देश में डांस का संविधान है, हम सब की जान। क्या बात है। अच्छा, कभी कभी आपका शेर 2 लाइनों वाला, आज 8 लाइनों वाला। आई लव दिस। क्यों, बंदा डिजर्व करता है, वही ठा करके निकलता है। बिल्कुल बाजी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप आते हैं जान आ जाती है हम सब में, हमारे दर्शकों में, जोरदार तालियां यार। आइए सर। थैंक यू। आइए। अच्छा मैंने सर ट्रेलर में देखा, एक बात बताइए गोविंदा सर, कैमरा ऑन होते ही आप 26 साल के कैसे हो जाते हैं? क्या राज है उसके पीछे? जिस वक्त मैं पॉलिटिक्स से निकला तो भागम भाग, पार्टनर जी, ये दो फिल्मों में मैंने जो मुझे रोल मिला जी उस वक्त कर लिया, लोगों को काम अच्छा लगा, बहुत बहुत, परंतु उस वक्त मेरा वेट, मतलब कि ये पेट यहाँ था। पर आपकी एनर्जी में कोई कमी नहीं होती सर? हाँ, हम लोग ऐसी कितनी तारीफ कर ले, पर मैं हीरो नहीं था उसका। तो सच ये है कि उसका मैं हीरो नहीं था, और मुझे ये लग रहा था यार अब क्या होगा, पॉलिटिक्स से तो मैं निकल आया हूँ, अब बहुत हीरो की तरह निकला। फिर मैंने सोचा यार यहाँ पे मैं हूँ नहीं, वहाँ का मैं रहा नहीं। क्या करें, सब कुछ कर दिया। हाँ सर, जिंदगी में आप कितनी क्रिकेट खेले, पर जिंदगी जब आपके साथ क्रिकेट खेलने लगती है। क्या बात है सर। बहरहाल मैं सलमान से कह रहा था, सलमान यार ये पिक्चर तुम लोगों ने, सब लोगों ने शुरू कर दी है, परंतु मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यार इसमें ये रोल कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा, मुझे ऐसा अलग लग रहा है। पार्टनर की बात कर रहे हैं? पार्टनर की बात। ओके okay. तो सलमान मुझे पूछे, चिचू भैया मैंने सुना है कि आप जिसके साथ काम करते हैं उसे खा जाते हैं। तो मैं ये तो सच बात है सर, इसमें कोई शक नहीं है। तो पहले मुझे ये समझाइए कि ऐसा मैं क्या करूं कि मुझे आप पिक्चर में खा नहीं पाए। तो देख मैं कहा यार मैं तो अभी ना हीरो लगता हूं और ऐसा पेट बाहर निकला हुआ है कि मेरी तो भले फिल्म लगने वाली है पर मेरी लगी हुई है। अब आप ऐसा कीजिए कि आप थोड़ा सा, आपके हेयर स्टाइल थोड़ा सा, पर्सनालिटी आपकी अलग हो जाए तो अच्छा रहेगा। आप सुंदर हैं, आपकी पर्सनालिटी मुझे धर्मेंद्र जैसी लगती है। सेकंड है, उसने अपना बैग वैग पैक किया, वो कहीं निकल गया बाहर। मुझे डेविड का फ़ोन आया, ये क्या किया तूने? मैंने क्या क्या किया? मैंने वो सलमान तो गया, वो बॉडी पर्सनैलिटी में लग गया, कहता है अभी 2-3 महीना तो शूटिंग नहीं होगी पिक्चर की, तो फिर ये तो पिक्चर तूने बंद करवा दी। तो आ गया, आ गया तुझमें पॉलिटिक्स आ गया, कहता है। मैंने कहा यार वो अच्छा लगेगा, वो सुंदर लगेगा तो हमें अच्छा रहेगा, हम लोगों के लिए वो तो लगे कम से कम हीरो है, मैं तो तू लिख के दे, तू लिख के दे उसके बाल आ गए। मैं बोला मैं कैसे लिख सकता, मैं नहीं लिख सकता यार इस तरह से कि उसके आ जाएंगे बाल। मैं तो कह सकता हूँ कि he has to improve। बहरहाल 3 महीने बाद आदरणीय डेविड धवन जी का मुझे फोन आया। अच्छा यार तू आदमी तो अच्छा है। बोला अच्छा, अब कैसे ऐसा अच्छा हो गया? कह रहे यार क्या लग रहा है यार सलमान, यार क्या सुंदर लग रहा है यार, कमाल का यार, गोविंद तू दिल का बहुत अच्छा है यार, ये तो तुझमें अच्छा ही है, जलसी टाइप की चीजें नहीं है तुझमें, ये देख क्या लग रहा है सलमान। मैं बोला कहाँ हो तुम लोग? शूट करें, गाना शूट करें फिल्म का यार, कहाँ पे? ये यहाँ पे। बोला अच्छा शुरू कर दी यार, तुम लोग कहते भी नहीं हो क्या कर रहे हो। बहरहाल तो जिस वक्त ये प्रोमो आया मेरी फिल्म का जी, तो मुझे किसी का भी सपोर्ट या साथ थ्रू आउट नहीं मिला। अगेन सलमान खान का ही मुझे फिर से वो ट्विटर आया और फिर कहा चिची भैया मुझे बहुत अच्छा लगा है और ये सुपर हिट है, ये सुपर हिट नहीं लगा होता तो मैं आपको कॉल भी नहीं करता। बहरहाल अच्छाई जो है अच्छाई रहा करती है, डिसीजन राइट लेते रहिए, आप सदैव हीरो रहेंगे।
क्या बात है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.